हेलो फूडीज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज़ फूड पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्द बनने वाली पेड़ा की रेसिपी। ये इंस्टेंट पेड़ा रेसिपी है जिसे हम सिर्फ 5 मिनट के टाइम में बना के तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, साथ ही इसके लिए ना तो मैंने कोई मावा यूज़ किया और दूध भी इसमें सिर्फ आधा कप लगाया है इसको सारी को ही बनाने के लिए। तो ये बहुत ही जल्द बनती है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। बाजार के पेड़ा से भी ज़्यादा टेस्टी होती है ये। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है और इसमें जो टेस्ट है उसका तो जवाब ही नहीं। तो आज इसी को हम बनाएंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 4 चम्मच के करीब देसी घी डाल लूँगी मैं। ये मैंने आधा कप के करीब हल्का सा गर्म दूध लिया है ताकि ये घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून के करीब चीनी डाल दूंगी। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अभी गैस मैंने ऑन नहीं की है। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, वो थोड़ी जल्दी घुल जाएगी। आधा टीस्पून के करीब मैंने डाला है इसमें इलायची पाउडर। और फ्रेंड्स, ये मैंने 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क पाउडर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अभी गैस मेरी बंद है, गैस को मैंने ऑन नहीं किया है। अगर फ्लेम ऑन हो उसके बाद आप इसे डालते हैं तो इसमें गुठलियाँ पड़ने का डर रहता है, लम्ब पड़ने का डर रहता है, तो इसलिए पहले आप मिल्क पाउडर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लें, उसके बाद गैस ऑन करें। उससे बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार होगा, कोई भी लम्ब वगैरह इसमें नहीं पड़ेंगे। तो पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं गैस को ऑन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से, गैस को मैंने ऑन कर लिया है और अब इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मैं पका लूँगी गाढ़ा होने तक। और चलाते ज़रूर रहना है इसे, वरना ये नीचे से लग जाएगा और इसमें फिर जले हुए की स्मेल आएगी, ख़राब हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें कोई एसेंस वगैरह भी डाल सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कोई लम्स ना रहे और कोई भी इसमें दाने ना पड़े उसके लिए मैं इसे बिल्कुल स्मूथ करने के लिए विस्कर से विस्क कर लूँगी अच्छे से। हमें इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल इसे क्रीमी बना लेना है। हम जितना ज़्यादा ये क्रीमी होगा उतना ही अच्छा हमारा पेड़ा बन के तैयार होगा, बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बन के तैयार होगा। तो अच्छे से मैं इसे क्रीमी सा बना लूँगी बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। अब इसे थोड़ी सी देर हम चलाते हुए और पका लेंगे गाढ़ा होने तक। तो फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और सिर्फ 5 से 6 मिनट के टाइम में पूरी ही ये बन जाती है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी। इससे इसमें एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस आएगी और एक शाइन सी आ जाएगी, जिससे अच्छे से हमारा पेड़ा बाइंड हो जाएगा, अच्छे से बंध जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये लगभग तैयार है। देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, कढ़ाई को छोड़ने लगा है। पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। पानी में थोड़ा सा हमने डाला और देखिए इसकी बॉल बना के देखते हैं। अगर ये हाथ पे नहीं चिपकता तो यानी कि परफेक्ट है और पेड़ा बनाने के लिए तैयार है। देखिए, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है हाथ पे, तो ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अपने हाथों पे मैंने घी लगा लिया और 1 चम्मच के करीब हम इसका मिश्रण लेंगे और इसे इस तरीके से हाथों से रोल करते जाएंगे। इसकी एक बिल्कुल स्मूथ सी बॉल बना लेंगे और उसे हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे और इस तरीके से फिंगर से इसमें शेप दे देंगे ड्राई फ्रूट रखने के लिए। तो इसी तरीके से अपने सारे पेड़े हमें बिल्कुल बराबर साइज़ में, बिल्कुल बराबर शेप में बना के रख लेने हैं। मैं आपको 1-2 पेड़ा और बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में आसान रहे। बिल्कुल राउंड शेप के एक बॉल बना ली, 2 फिंगर से हल्का सा प्रेस किया, फिर 1 फिंगर से इस तरीके से गड्ढे से इसमें बना दिए ताकि इसमें ड्राई फ्रूट्स हम रख पाएँ। ड्राई फ्रूट्स में आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें बादाम रख दें, काजू रख दें, पिस्ता रख दें या जो भी कोई आपको चीज़ पसंद हो आप वो रख सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे बना लेंगे। और फ्रेंड्स, इसे जब आप ड्राइंग रूम में रखते हैं सारे पेड़ा बना के टेबल पे, तो जो भी आपके घर में मेहमान आते हैं त्यौहार पे, बहुत ही शान बढ़ाते हैं ये, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बिल्कुल मिल्क चॉकलेट के जैसे। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए ये रेसिपी आपकी कैसी बन के तैयार हुई।
और फ्रेंड्स ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ हर रोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।